हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल दैन प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। इसका शेयर प्राइस आज 172.35 पर है और देखिए दोस्तों ये अपर सर्किट आज ले लिया है। बेहतरीन क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स 25 जनवरी को इन्होंने डिक्लेयर किया और उसका रिजल्ट अनऑडिटेड जो उसके जो एनालिसिस है उसमें जो दिखा गया है नंबर्स वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स है और बोनस भी दे रही है कंपनी। 2 महीने में बोनस भी सबको मिल जाएगा, जिनके जितना एलिजिबिलिटी है शेयर होल्डर्स को उनका बोनस मिल जाएगा। और बोनस 2:3 का रेशियो है, यानी कि किसी के पास 3 शेयर है तो 2 शेयर बोनस में मिल जाएगा। और देखिए ये ब्राइटकॉम ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जो लगातार अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है, बराबर प्रोग्रेस शो कर रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है ये और इसका जो अपर सर्किट तो आज लग गया और मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाला है। एटलीस्ट अगर ये 200 क्रॉस कर जाता है तो 250 के पहले शायद यह ना रुके। तो बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग मुझे तो दिखता है। इसका मार्केट कैप देख लीजिए 17,952 है और देखिए अपर सर्किट आज ले लिया है। इसके ग्राफ देख लें, चार्ट तो ये देखिए करीब 1 से 1.5 महीने से ये कंसोलिडेशन में है और ये ही सही टाइम होता है किसी भी शेयर को परचेज़ करने का। आप अगर अपर सर्किट में परचेज़ करने का सोचते हैं तो या तो वो परचेज़ नहीं कर पाएंगे या फिर हो सकता है यहाँ पर परचेज़ किए तो फिर आपको नीचे दिखने लगेगा शेयर कुछ दिनों में। अगर आप हाईएस्ट पर किए हैं और वहाँ पर वो रेजिस्टेंस है, ब्रेक नहीं कर पाया, तो वो फॉल हो सकता है, चांसेस होते हैं फॉल होने का, फिर आपको नीचे का भी रेट दिख सकता है जो आप मिस कर सकते हैं। इसलिए जब कंसोलिडेशन फेज होता है इसी फेज़ में आपको परचेज़ कर लेना चाहिए। अप डाउन होता है थोड़ा मगर फिर भी एवरेज करते रहें। तो यहाँ से जब ये फिर पिकअप लेगा, अपर की तरफ जाएगा, तब आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और शेयर मार्केट में प्रॉफिट लॉस दोनों होने की संभावना होती है, इसलिए अपनी स्टडीज़ अपने एनालिसिस से ही निवेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।